आप पोर्च एरिया एंट्रेंस तो ही देख सकते हो, काफ़ी रॉयल लुक वाला जिहड़ा इत्थे डोर ते मैश डोर जिहड़ा दे विच दित्ता गया वुडन दा, काफ़ी वाइड बैडरूम है तुसीं देखण तो ही पता लग जांदा। और इस दे नाल जिहड़ा वॉशरूम दित्ता गया, काफ़ी वाइड और वड्डा वॉशरूम दित्ता गया जिहड़ा इहनूं कॉमन भी यूज़ कर सकते हो, स्टैप दित्ते गए हैं। और रेलिंग जिहड़ी स्टेनलैस स्टील दी जिहड़ी नाल प्रोवाइड करवाई गई है। डाउन च तुसीं देख सकते हो ये पशुआं वास्ते जमींदार बंदे वास्ते बहुत वधिया है, पशु वगैरह रखने वास्ते जिहड़ी स्पेस प्रोवाइड कराई गई। हाय दोस्तों, मैं दीपक राणा डीके प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन के चैनल से तुहाडे नाल रूबरू होया। अज मैं तुहानू लैके आया कि हाजीपुर के लागे सरियाणा पिंड जिहड़ा कि हाजीपुर तो लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस से है, मेन हाईवे तो जिहड़ा मकेरियां तो तलवाड़ा रोड जांदा है, उस रोड तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस से तुहानू एक सरियाणे पिंड दे विच पक्की गली तुसीं देख सकते हो, लगभग 22 फुट की यह पक्की गली है पिंड दे विच। और ये प्रॉपर्टी जिहड़ी पिंड दे विच हैगी है 12 मरले दे विच ये प्रॉपर्टी है, और अंडरग्राउंड दे अंदर पशुआं वास्ते अलग जिहड़ा थल्ले हॉल बने, उपर जिहड़ी प्रॉपर्टी बनाई गई है 12 मरले च। आ मैं तुहानू अंदर दा जिहड़ा सारा हाल वो दसदा, आओ मेरे नाल। प्रोपर सारा टैल का काम होया, बड़ी रीज नाल जिहड़ा ये टाइलिंग जिहड़ा दीवार दे नाल नाल बहुत प्यारी जिहड़ी कंसैप्ट दित्ता है, थल्ले बड़ी फिनिशिंग है जिहड़ी जिहड़ी भी टाइल दी है। अंदर दो तुसीं गड्डियां ईजीली तुसीं पार्क इहदे अंदर कर सकते हो, ते आउटसाइड जिहड़ा दो बाथरूम जिहड़े प्रोवाइड करवाए गए हैं, एक इंग्लिश पैटर्न की एक इंडियन पैटर्न की जिहड़ी जिहड़ी बोट है वगैरह वो अंदर प्रोवाइड कराया गया। उपर तक सीलिंग लेवल तक जिहड़ी टाइलिंग की गई है, एज इट इज़ जिहड़ी चीज़ मिलेगी जो भी अंदर लगी हुई है। आप पोर्च एरिया एंट्रेंस तो ही देख सकते हो, काफ़ी रॉयल लुक वाला जिहड़ा इत्थे डोर ते मैश डोर जिहड़ा दे विच दित्ता गया वुडन दा, और वधिया टाइल दा जिहड़े अंदर काम होया। अंदर एंटर करदे हैं जिहड़ा लॉबी दा एरिया, काफ़ी स्पेसियस है, और सराउंडिंग एरिया दे विच तुसीं देख सकते हो जिहड़ी वॉल टाइल जिहड़ी दित्ती गई है, कुछ काम चल रहा है इत्थे अंदर, काफ़ी वाइड लॉबी है। एंटर करते हैं राइट साइड में जिहड़ा ड्राइंग रूम का जिहड़ा एरिया दिता गया, और नाल ही लेफ्ट साइड तो एंट्रेंस जिहड़ी दिती गई है इस ड्राइंग रूम में। नाल लेफ्ट साइड में एंटर होंदे ही नाल किचन वगैरह दिती गई है, तुसीं देख सकते हो उपर तक टाइलिंग दिती गई है, कपबोर्ड का काम इहदे छल्ले तक नहीं होया हले तक। विजिबिलिटी वास्ते प्रॉपर अगे विंडो दिता गया, और यह है दा फर्स्ट बेडरूम, काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है, ये आउटसाइड में भी काफ़ी स्पेस जी बैक साइड में बैकयार्ड में दिती गई इस रूम के नाल, और यही जी स्टेयर जी डाउन अंडरग्राउंड वास्ते दिती गई हैं, बैक साइड में भी जो काफ़ी स्पेस इतने जो दिता गया, एज ए तुसी धुप का नज़ारा इतने लै सकते हो, रेलिंग जी आयरन की दिती गई बैक साइड में सारा जो एरिया तुम देख सकते हो, ये आ वाला एरिया जोड़ा थले हॉल जोड़ा बनाया पशुओं वास्ते, थले वाली स्पेस वो वास्ते एंट्रेंस वो लैफ्ट साइड तो दिता है। आओ मेरे नाल नैक्सट बैडरूम में थोड़ा दिखावा। सेकेंड बेडरूम काफ़ी वाइड बेडरूम है, तुसीं देखण तो ही पता लग जांदा, और इस दे नाल
जो वॉशरूम दिता गया काफ़ी वाइड और बड़ा वॉशरूम दिता गया जरा कॉमन भी यूज कर सकते हो। लॉबी तो भी एंट्रेंस दिता गया और इस बेडरूम तो भी एंट्रेंस का प्रॉपर दिता गया। थर्ड बेडरूम थोड़ा रेनोवेशन का पेंटिंग का काम ये अंदर चलिया होया, काफ़ी वाइड बेडरूम है। वेंटीलेशन की तो लाइटिंग की जी सुविधा हर पास नैचुरल लाइटिंग नैचुरल वेंटीलेशन जरा तुम हर वेले इतने अवेलेबल है। हर कमरे के नाल जो विंडो प्रोवाइड की गई है बाहर स्पेस रखनी हो जाने करके पिंड खास करके सुविधा यह जी होंगी है जी इतने देखने को मिलती है। और मैं तुम्हें उपर लैके चला अपस्टेयर वास्ते प्रोपर जो मार्बल का काम किया गया डबल मोल्डिंग के नाल स्टैप दिए गए हैं और रेलिंग जी स्टेनलैस स्टील की जी प्रोवाइड करवाई गई है। फस्ट फ्लोर पर भी काफ़ी स्पेस जी एज ए तुम स्टोर के तौर पर इस यूज कर सकते हो समान वगैरह घर का जो इतने तुम रख सकते हो काफ़ी स्पेस जी इतने की गई है। आ है टैरस का एरिया तुम देख सकते हो फ्रंट के पिछों जोड़ा है 22 फुट है बैक साइड में जाते वड्डा एरिया हो जाता है। गोमुखी प्लाट है और सराउंडिंग एरिए जोड़ा पिंड का जोड़ा नक्शा तुम पिंड की जो कंस्ट्रक्शन जी हुई है आले दुआले घर का जोड़ा विजिबिलिटी प्रॉपर तरीके सारा साइट सीन देख सकते हो। प्रोपर जोड़े टैरस के उत्ते जोड़े रूफ के उत्ते जोड़े आ दिए गए है पिलर वगैरह हर जगह प्रोवाइड एज इट इज़ कराए गए। कल फरदर तुम कंस्ट्रक्शन किसी भी तरीके की करनी तो इन चीज़ों ध्यान रखते हुए जोड़े आ पिलर जोड़े प्रोवाइड एज इट इज छे गए हैं। पर बैक यार्ड के आओ मैं तुम्हें दिखाव ये बैक यार्ड के भी जरा डाउन ची देख सकते हो ये पशुओं वास्ते जमींदार बंदे वास्ते बहुत वधिया है पशु वगैरह रखने वास्ते जी स्पेस प्रोवाइड कराई गई। ये बैक थले ही थले अंडरग्राउंड जरा काफ़ी वड्डा हाल जरा प्रोवाइड कराया गया और वो वास्ते जी मकान के लैफ्ट साइड तो मेन सड़क के उत्तों मेन लिंक रोड के उत्तों 10 फुट का रस्ता जरा सामने गेट तो तुम देख सकते हो ये नाल मकान दे दिता गया जो सैपरेट है इस 12 मरले तो अलावा जोड़ा रस्ता जो प्रोवाइड कराया गया जो बिल्कुल थले अंडरग्राउंड जो रूम में जाता है हॉल में जाता है। आ प्रॉपर्टी जी पिंड सरियाणे दे विच है जोड़े मेरे वीर इंट्रस्टड हैं इस ग्रीनरी दे विच इस तरीके की माहौल दे विच रहने दे जोड़े इंट्रस्टड वो थले दिते नंबर ते मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जी इसकी कीमत है वो मैं थले जरूर डिस्क्रिप्शन दे विच दे देंगा और किसी भी तरीके का मकान या एग्रीकल्चर लैंड वगैरह किसी ने सेल करनी हो थले दिते नंबर दे मेरे ना वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद जी।